बिग बॉस सीजन 12 हारने के बाद श्रीसंत विलन बन चुके हैं। जी हाँ, एक अलग ही रूप सामने आया है श्रीसंत का। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वैसे तो घर में भी श्रीसंत को कई बार विलन कहा गया है, लेकिन जब घर से बाहर आए हैं तो भी विलन बने हैं। अब आप चौंकिए मत, दरअसल मैं श्रीसंत की फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आने वाली श्रीसंत की फिल्म और इसमें इनका विलन लुक। इनकी फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है और ये फिल्म है कैबरेट। जी हाँ, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दावे के साथ कहा जा सकता है कि इसमें श्रीसंत को देखकर उनके फैंस झूम उठेंगे। बता देंगे, इस फिल्म में ऋचा चड्ढा ने लीड रोल अदा किया है और फिल्म को पूजा भट्ट ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में ऋचा के ऑपोजिट हंटर फेम गुलशन देव है। इस फिल्म ने पिछले साल सिनेमा घरों में आने के लिए बहुत मशक्कत की थी, पर क्यों नहीं आ पाई ये वजह सामने नहीं आई, इसीलिए ये अब Z5 पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें बिग बॉस 12 के दर्शकों के लिए सौगात है। दरअसल इस फिल्म में बिग बॉस 12 के पहले रनर अप श्रीसंत विलेन का रोल अदा कर रहे हैं और ट्रेलर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीसंत कैसे लग रहे हैं। बात की जाए ऋचा के किरदार की, तो इस फिल्म में उन्होंने एक कैबरे डांसर का किरदार किया है। कहानी मोड़ तब आता है जब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऋचा की जिंदगी में एंट्री मारता है और फिर आगे कई सारी चीजें होती है। तो फिलहाल श्रीसंत एकदम विलन बनकर धाकड़ तरीके से नजर आ रहे हैं फिल्म कैबरेट में। ये फिल्म बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी Z5 पर। अब आप भी एक काम कीजिए, फटाफट से इस ट्रेलर को देखिए और ट्रेलर देख के हमें बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। इसमें श्रीसंत यानी कि श्रीसंत का एक तरीके से एक्टिंग डेब्यू ही है। ये डेब्यू आपको एक नज़र में कैसा लगता है, क्योंकि फिलहाल इसमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं श्रीसंत ट्रेलर में, पर अगर फिल्म में विलन बने हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस होगा। तो फटाफट से कॉमेंट कीजिए और बताइए कि कैसे लग रहे हैं श्रीसंत। वैसे श्रीसंत बिग बॉस में भी काफी छाए रहे हैं। शुरुआत से ही इस विवादित शो में श्रीसंत को लेकर भी कई सारे विवाद रहे और माना जा रहा था कि श्रीसंत विनर भी बनने वाले हैं। फिनाले तक तकरीबन फैंस ने कंफर्म मान लिया था कि श्रीसंत हाथ में ट्रॉफी उठाएंगे, पर श्रीसंत फर्स्ट रनर अप रहे और दीपिका विनर बनी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, श्रीसंत की फिल्म का ट्रेलर देख के कॉमेंट करना मत भूलिएगा।